हेलो फ्रेंड्स, सारिका गुप्ता व्लॉग्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में थोड़ा बाहर जाने का सोचा है मैंने, गाय को रोटी खिलाने के लिए। तो उससे पहले घर का खाना बना लूँ, तो ये घर की सारी रोटियां बना रही हूँ मैं। सब्जी पहले ही बना के मैंने रख ली है, और रोटियां बन जाए तो फिर हम इसमें से गाय के लिए भी रोटियां लेंगे, और आदि कह रहा वो भी मेरे साथ जाएगा तो हम दोनों ही चलेंगे। तो जहाँ हम लोग जाएंगे गाय को रोटी खिलाने, वहाँ 3 गाय हैं, 2 गाय और 1 बछड़ा है। तो फिर हम तीनों के लिए 3 रोटी लेके जाएंगे, 3 मेरी तरफ़ से, 3 आदि की तरफ़ से। तो टोटल 6 रोटियाँ हम पैक कर लेंगे और बाकी रोटियाँ रहेंगी घर के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारी रोटियाँ बना लेती हूँ। देखिए फटाफट मैं रोटियां बना ले रही हूँ और कितनी अच्छी तरह से फूलती हैं रोटियां। और क्योंकि गाय को सूखी रोटी नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरी एक आंटी ने मुझे सिखाया था। तो ये देखिए सारी रोटियां तो बन गई, लेकिन पहली रोटी जो है वो गाय के लिए होती है। तो इसीलिए मैं पहली 3 रोटी, एक्चुअली पहली 6 रोटी मैं निकालूंगी और उसमें घी और चीनी लगाऊंगी, क्योंकि आंटी ने बताया था कि सूखी रोटी गाय को नहीं देनी चाहिए। तो इसीलिए घी और चीनी लगा लेते हैं हम रोटियों में और फिर गाय के लिए भेजते हैं। लेकिन आज हम खुद ही जा रहे हैं, रोज़ हम खुद नहीं जाते हैं। तो क्योंकि मैं जा रही थी तो आदि ने कहा चलो मम्मा मैं भी चलूँगा। तो इसीलिए 3 रोटी मेरी और 3 रोटी आदि की तरफ से हम लोग 6 रोटी बना लेते हैं फटाफट और फिर चलते हैं। हर रोज़ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जब जब भी घर पे रोटियां बनती हैं, क्योंकि रोज़ मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, कभी कुछ राइस वगैरह भी खा लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर रोटी बनी तो ज़रूर पहली रोटी जो है वो गाय के लिए हम लोग निकाल देते हैं। तो ये देखिए रोटी आदि के लिए भी तैयार हो गई 3, और मेरी भी 3 तैयार हो गई। तो चलिए फटाफट पैक कर ले और फिर निकलते हैं। आदि तैयार होके बैठा हुआ है, बस रोटियां बन जाए इसी का वेट कर रहा है। तो हमारी 6 रोटियां रेडी हैं और चलिए अब चलते हैं। थोड़ी दूर जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि घर से काफ़ी दूरी पर है वो जगह जहां गाय है। शहरों में तो आप जानते हैं गाय इजीली मिलती नहीं है, तो काफ़ी दूर मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए इसी तरह से चलते हैं हम लोग, आदि भी मेरे साथ चल रहा है। तो पहुंच जाए एक बारी तो फिर आगे का व्लॉग दिखाते हैं। और ये देखिए हमारी रोटियां जो है वो पैक करके ले ली है मैंने। तो चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी दूर अभी हमें जाना है, फटाफट चल जाएँ और वहाँ पहुँच जाएंगे करीब, तो फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दूर चलने के बाद अब फाइनली हम लोग बहुत करीब पहुँच चुके हैं उस जगह की जहाँ हमें गाय मिलेगी। तो बस यहाँ से एक राइट टर्न लेंगे और थोड़ी दूरी पर ही गाय रहती है। तो चलिए चलते हैं। बस हम पहुंच ही गए हैं और ये देखिए आपको दूर से ही दिखाई देगी गाय। और ये देखिए गाय, एक गाय यहाँ है और 2 पीछे हैं। चलिए आपको पहले दिखा लेते हैं। ये देखिए ये हमारी पहली गाय, ये दूसरी वाली, और यहाँ एक छोटा सा बछड़ा है। तो यहाँ एक आंटी रहती हैं जो कि ओनर हैं, उनको मैंने कहा कि रोटियाँ खिला दीजिए, क्योंकि मुझे शूट करना भी था। अगर मैं खिलाती तो फिर मैं शूट नहीं कर पाती ठीक से, इसीलिए आंटी ने खिला दिया मेरी तरफ़ से और आदि की तरफ से 2-2 रोटियाँ इन तीनों को। और ये हमारा नन्ना बेबी काफ। बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करने के बाद, अंदर से एक सुकून सा मिलता है। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसा कुछ किया कीजिए।
थैंक यू आंटी। आंटी को थैंक यू कह दिया हमने। और ये देखिए छोटी वाली गाय हमारे पीछे, और फिर ये सफ़ेद वाली गाय, और ये तीसरी गाय। तो तीनों गाय को मैंने दिखा दिया। तो अब बगल में ही एक पार्क है, तो आदि कह रहा है कि चलिए मम्मा पार्क में भी चलते हैं। तो ठीक है, थोड़ा टाइम है तो लेके आ जाती, आ गई मैं उसे पार्क में भी। ये देखिए ये है वो पार्क, कुछ दूरी पर ही था। जब इतने दूर आए थे तो मैंने सोचा चलो घुमा ही देते हैं। तो पार्क में एंटर कर लिया है हम लोगों ने, काफ़ी दूर, क्योंकि पैदल चल के आ रहे हैं तो थक भी गए हैं। और ये देखिए कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं पार्क में, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मुझे ये सारे फ्लावर्स। तो इस पार्क के अंदर ही एक चिल्ड्रंस पार्क भी है जहाँ झूला वगैरह है। तो आदि झूला झूलना चाहता है लेकिन कोई भी झूला खाली नहीं है, तो काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा झूला झूलने के लिए। तो चलिए कुछ देर वेट करना चाहता है आदि, क्योंकि उसे झूलना है। तो जब तक झूला खाली नहीं होता हमें वेट करना होगा। तो रुके हुए थे हम लोग कि झूले पे से बच्चे उतर जाएं तो आदि का भी नंबर आ जाए। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद आदि का नंबर आया, और कुछ देर आदि ने झूला झूला, बहुत मज़ा आया उसको। इसके बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे हम लोग, और इस स्लाइड में जाके आदि को चोट भी लग गया हाथ में और बैक में। तो वही वो मुझे दिखा रहा था तो कैमरा इधर उधर हो गया, देखिए उसे चोट आ गया खेलते हुए बच्चों के साथ। तो फिर अब हमने घर जाना ही ठीक समझा, तो मैंने आदि से कहा कि चलो अब घर चलते हैं, चोट भी लग गई थी उसे, तो थोड़ा दवा लगा देती मैं बैग में, घर जाऊंगी तभी होगा। तो यही वो पार्क है। फिर थोड़ी देर वो चाहता है कि सीसॉ भी एक बार लास्ट बैठ लूँ फिर चलूँ, लेकिन सीसॉ में दो लोगों की ज़रूरत है। और ये रेड कपड़े वाला बच्चा जो था वो भी झूलना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो शर्मा गया कैमरा वैमरा देख के और वो चला गया। तो आदि का सीसॉ भी नहीं हो पाया बेचारा, एक तो चोट भी लग गया और सीसॉ झूल भी नहीं पाया। तो बस फिर हम लोग वापस ही आ गए। मैंने आदि से कहा फिर लेके आऊँगी पार्क में, तब अच्छे से एंजॉय कर लेना। तो ये है कुछ इस तरह का, काफ़ी बड़ा पार्क है, एक लेक भी है पार्क के बीचों बीच, सुभाष सरोवर लेक नाम है यहाँ इसका। काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत अच्छी जगह है मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए। तो एनीवेज पार्क में घूमना हो गया, आदि को चोट भी लग गया था और काफ़ी दूर वापस भी जाना होगा वो भी पैदल, तो इसीलिए हम लोग जल्दी निकल गए पार्क से और घर जाने लगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही फ्रेंड्स। अब घर जाऊंगी तो आदि को ज़रा दवा लगा दूंगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय, मेरे और आदि दोनों की तरफ से थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली ब्लॉग में।